हेलो गाइस, कैसे हो? शायद अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे हो ये अचानक नाच क्यों रहा है, क्या बात है, क्या हो गया, ये नाच रहा है, कुछ तो बता। रुको जरा, सबर करो, बताता हूँ। मैं फ्री में आईफोन 14 जीत चुका हूँ, वो भी टेक बार्नर यूट्यूब चैनल की तरफ से। आप लोग अगर जानना चाहते हो फ्री में कैसे आईफोन 14 मुझे मिल चुका है, वो जानने के लिए वीडियो को शुरू से तक जरूर देख लीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते। ओके, तो बात ऐसा है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था श्लोक भाई की। यूट्यूब पे वीडियो देखने के टाइम मेरा मन हुआ श्लोक भाई का ये वीडियो तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, चले इसमें कुछ कमेंट कर देते। तो मैंने कमेंट किया। कमेंट करने के कुछ टाइम बाद ही रिप्लाई आ गया कि आप एक गिवअवे का विनर बन चुके हो, वो भी श्लोक भाई रिप्लाई किया। तो उधर मुझे श्लोक भाई ने बताया कि आप टेलीग्राम पे जाइए, उधर मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए। टेलीग्राम में जाने के बाद श्लोक भाई से मैंने कॉन्टेक्ट किया। श्लोक भाई ने मुझे बताया आप एक आईफोन 14 जीत चुके हो, तो आईफोन 14 आप लेना चाहते हो कौन सा कलर का? मैं तो बता दिया आईफोन 14 जो भी है मुझे दे दीजिए, कौन सा कलर है, क्या कुछ है, मुझे मैटर नहीं करता है, कोई भी चीज नहीं पता है मुझे, सिर्फ मुझे एक आईफोन 14 दे दीजिए फ्री में। उसके बाद श्लोक भाई ने मुझे बताया आप आपका एड्रेस भेजिए मुझे। तो मैंने मेरा एड्रेस तुरंत श्लोक भाई को दे दिया। तो देने के कुछ टाइम बाद श्लोक भाई से रिप्लाई आता है आपका प्रोडक्ट बिल्कुल पैक हो गया है, आपका एड्रेस में 2-3 दिन के अंदर ही चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मनी पे करना होगा। तो मैंने श्लोक भाई को बताया कितना मनी पे करना होगा। तो श्लोक भाई ने बताया 10,000। मेरा दिमाग हिलेगा, 10,000? अरे 10,000 से मैं आईफोन 14 ले लूंगा, लेकिन आईफोन 14 लेने के लिए 10,000 देना पड़ेगा। तो मैंने श्लोक भाई को बताया मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं तो उतना नहीं दे सकता, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे दे पाऊंगा श्लोक भाई। तो श्लोक भाई ने बताया आप एक काम कीजिए 2,000 दे दीजिए। मेरे पास उस दिन 2,000 भी नहीं था। तो मैंने श्लोक भाई को बताया श्लोक भाई एक काम कीजिए, मैं नेक्स्ट डे पे कर रहा हूँ आपको 2,000, आप थोड़ा रुक जाइए। तो श्लोक भाई बता दिया ठीक है मैं रुक रहा हूँ, कल आप पे कर देना, आपका डिलीवरी हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर। नेक्स्ट डे मैं सुबह सुबह उठकर श्लोक भाई का वीडियो देख रहा था। श्लोक भाई वीडियो को देखने के बाद मैंने उधर कमेंट कर दिया श्लोक भाई नेक्स्ट गिवअवे कब करोगे? तो उधर फिर से मुझे एक मैसेज आ गया आप एक आईफोन जीत चुके हो। उधर मेरा कुछ डाउट आया मन में, मैं फिर से आईफोन 14 जीत चुका हूँ, क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है। तब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया क्या है, क्या चल रहा है। तो तब मुझे पता चला कि ये जो कमेंट आ रहा है वो फेक है। तो हाँ, अब मैं बात करता हूँ क्या सीन है, क्या चल रहा है यूट्यूब पे ए फ्री आईफोन 14 को लेकर। यूट्यूब पे अभी आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट कीजिए, चाहे टेक्निकल गुरुजी का हो, चाहे टेक बर्नर यूट्यूब चैनल हो, चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने के कुछ टाइम बाद तुरंत आपको एक रिप्लाई आ जाएगा आप एक गिवअवे जीत चुके हो। गिवअवे लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाइए। तो टेलीग्राम पे जाने के बाद आपने उसको पूरा डिटेल्स बता दिया कि आप कहते से है, आप ये करते हो वो करते हो, तो उधर से आपका रिप्लाई आ जाएगा कि हाँ आपका प्रोडक्ट तो तैयार है, लेकिन आपको कुछ टैक्स पे करना होगा जो भारत सरकार का नियम है। तो उधर आपको बताया जाए कि आप 10,000 पे कर दीजिए। तो आप अगर 10,000 पे करने के लिए राजी नहीं भी होते हो तो उधर रेट को कम कर देगा वो लोग 2,000-1,000। तो मान लीजिए आप 2,000 पे करने के लिए तैयार हो, उधर से आपको रिप्लाई आएगा कि आप इस अकाउंट पे 2,000 पे कर दीजिए, वो लोग एक अकाउंट नंबर दे देगा। तो उस अकाउंट नंबर पे आपने पे कर दिया, और जब भी आपने पे कर दिया वो लोग आपको टिक करके ब्लॉक कर देगा। और आप सोच रहे हो कि आप पे ऑन डिलीवरी पे ही पे करोगे उनको, नहीं, वो लोग कहेगा नहीं पे ऑन डिलीवरी सिस्टम नहीं है, पहले पे करना होगा। आप लोग पे कर दोगे, पे करने के बाद आपको ब्लॉक कर देगा, कोई भी मैसेज उनके तरफ से नहीं आएगा। तो ऐसा सीन चल रहा है यूट्यूब पे, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, टेक्निकल गुरुजी का हो जाए, टेक बर्नर का हो जाए, मिस्टर इंडियन हैकर का हो जाए, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाइए, सेम ऐसा ही स्कैम हो रहा है, चल रहे अभी चल रहे। अभी मैं कमेंट किया वीडियो बनने से पहले, उधर भी सेम रिप्लाई है आप एक गिव अवे जीत चुके हो, ये उधर जाइए, ये कीजिए वो कीजिए। प्लीज 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 आप लोग कभी भी इस तरह का कमेंट में रिप्लाई ना कीजिए, उनका जो ट्रिक्स है उसको फॉलो ना कीजिए, मतलब वो जो लोग बता रहे हैं टेलीग्राम में जाइए ये कीजिए वो कीजिए, कभी भी ना कीजिए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, जो भी लोग इस तरह का चीज कर रहे उन पे आप लोग रिपोर्ट कर दीजिए, उधर रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है कमेंट में, रिपोर्ट कर दीजिए। और दूसरा बात, आप लोग इस चीज़ में ना फंसे। बहुत लोग होंगे जो फ्री में आईफोन मिल रहा है, फ्री में टीवी मिल रहा है, फ्री में फ्रिज मिल रहा है, इस चक्कर में 2000
20,000 25,000 दे देता है, लेकिन ये ना कीजिए तो ये अच्छा है। आप लोग जरूर कमेंट में बताइए क्या आपका पास भी ऐसा कुछ मैसेज आया था। मेरा पास तो बहुत सारा मैसेज आया। तो आज इतना ही है, आप लोग कमेंट में बताइए आपका राय, आप क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए आपका दोस्त के साथ, आपका फैमिली के साथ, वो लोग भी ऐसा चीज़ में ना फंसे। तो आज इतना ही है, जय हिंद, वंदे मातरम।